وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وتصل بالله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह पाक की फजल से रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। और आप सब हजरात को ये महीना मुबारक हो, बख्शिशों का महीना, जन्नत के खुले हुए दरवाजों का महीना, और हर लम्हे में रहमतों की बरसात का महीना। और खास तौर पे शबे कद्र का महीना। हम आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं ना कि आपको रमजान मुबारक, तो ये भी एक दुआ होगी। किसी को कुछ भी मिले तो हम मुबारक देते हैं, तो इसका माना यह होता है कि अल्लाह पाक इस नेमत में बरकत अता फरमाए, ये होता है इसका माना। औलाद में बरकत दे, माल में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, इल्म में बरकत दे। मगर एक बात का ख्याल रखें, वहां हम दुआ तो कर देते हैं, किसी की कबूल होती है और किसी की कबूल नहीं होती। किसी के हिस्से में बरकत आती है और किसी के हिस्से में बरकत। जब किसी ने ये कहा ना कि आपको रमजान मुबारक, तो ये दुआ कबूल हो चुकी है और बरकतें हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं कि ये महीना है ही बरकतों वाला। अल्लाह पाक ने एक नफिल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया, शबे कद्र को 1000 महीनों से बेहतर कर दिया, रिस्क में बरकतें आ गई, तो इस माह मुबारक के शुरू होते ही बरकतें शुरू हो गई। अब जिसको भी आप कहेंगे ना कि आपको रमजान मुबारक हो, तो आपकी जुबान से निकले हुए जुमले कबूल हो गए। जिस तरह आप दुरूद पढ़ते हैं कि मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा पे रहमत नाजिल फरमा, तो ये कबूल ही कबूल है। क्यों? कि मौला तो आपके कहने से पहले ही रहमत नाजिल कर रहा है, दुरूद तो चल रहा है, रहमत का नुज़ूल हो रहा है। तो आपने दुआ की तो ना भी करते तो रहमत तो आ रही है। जब आपने किसी को रमजान की मुबारक दी तो ना भी कहते तो बरकत तो शुरू हो चुकी थी। तो ये महीना बरकतों वाला महीना है, इसलिए आका ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। तो अल्लाह का महीना शुरू हो चुका है और उसी की ये दलील है कि अल्लाह की मस्जिदें नमाजियों से भर गई हैं, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो गया है, अल्लाह की तरफ तवज्जो लोगों की मबजूल हो गई है। बस हुजूर का ये फरमान याद रखें कि अब हम किसी और के महीने में नहीं, अल्लाह के महीने में। तो जब महीना अल्लाह का है तो फिर जिक्र भी अल्लाह का होना चाहिए, हुक्म भी अल्लाह का चलना चाहिए, इताअत भी अल्लाह की होनी चाहिए, रजा भी अल्लाह की होनी चाहिए, और सारे पूरा महीना और दिन रात जो है ये अल्लाह की तरफ इंसान की तवज्जो रहनी चाहिए। तो फिर देखिए इस रमजान की बरकतें किस तरह हमारी झोलियों को मामूल कर दी। अल्लाह पाक हमें इस माह मुबारक में पाकीजगी का एहसास अता फरमाए, इस माह मुबारक में अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुबारक की बरकतों से फैजियाब होते हुए हमें इस माह मुबारक में जन्नत बनना नसीब फरमाए। तबारक अल्लाह सुन्ने आला सुबह इंशाअल्लाह फजर की नमाज जो है वो 3:55 पे अदा की जाएगी। सुबह की फजर की नमाज इंशाअल्लाह 3:55 पे, ये वक्त पीछे आ गया,
55 से फिर नीचे आएगा, अभी दिन जो है वो खुल रहा है। اللهم صل على سيدنا وبولنا محمد وعلى آل سيدنا وبولنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين। और आज हमने माह रमजान मुबारक की पहली नमाज तरावी का अदा किया और पहली इबादत से इस माह मुबारक की बरकतों को लूटने का आगाज किया है। मौला इस नमाज को, इस तरावी को, इस तिलावत कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और मौला जिस तरह मोहब्बत के साथ और ज़ौक़ और शौक़ के साथ आज हमने इस माह मुबारक का आगाज किया है, मौला हर आने वाले लम्हे में इस शौक में इजाफा फरमा, इस ज़ौक में बरकतें अता फरमा। जो जो ये रमज़ान गुजरता जाए मौला हमें अपनी कुर्बतें अता फरमा, बख्शिशें और रहमतें अता फरमा। इस माह मुबारक का सदका मौला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा। इस माह मुबारक को अपने महबूब की सुन्नत के मुताबिक मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, मुजाहदे के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, हम सब की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही वनूरि अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही अजमईन। बिरहमतिक।